हेलो गाइज, हम लोग इस वीडियो में पर डिस्कशन करेंगे कि यूपी टेट के लिए कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है। क्या किसी एक बुक से पढ़ने से यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा? क्या यूपी टेट और सीटेट की सीटेट का जो सिलेबस है वह दोनों अलग अलग है? इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूपी टेट और सीटेट का सिलेबस तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग होता है, और इसी के लिहाज से आपको पढ़ाई भी थोड़ी अलग ढंग से करनी पड़ेगी दोनों को पास करने के लिए। यूपी टेट को पास करने के लिए आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, और सीटेट को पास करने के लिए फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझना आवश्यक होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि यूपी टेट को पास करने के लिए कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन फैक्ट्स को रटना बहुत ज़रूरी है यूपी टेट में। ओके, आपके लिए मैं बात करूंगी सबसे पहले यूपी टेट में कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले बुक की जो बात है वह शिक्षा मनोविज्ञान, 5 पार्ट में बटा हुआ, 30-30 मार्क्स का, और किसी एक बुक को फॉलो करके पूर्णतः सफलता प्राप्त करना हमें नहीं लगता है कि पॉसिबल हो सकता है। ओके, कुछ लोगों को मिली होगी सफलता, आप भी ट्राई करना, बट मेरा सलाह तो यही है कि आप कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करो, ऐसी जगह से पढ़ो कि चीज़ें छूटे ना और असफलता की गुंजाइश ना रहे। ओके, सबसे पहली जो बुक आपकी है वह बीएड बीटीसी की बुक है। बीएड और बीटीसी की शिक्षा में पूरी बुक नहीं पढ़नी है। ध्यान से इस पिक्चर को देखते हुए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको। ओके, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की वही बुक पढ़नी है, पहली बुक जो आप शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का होता होगा उसी बुक को पढ़ना है, और उस बुक से उसी चैप्टर को पढ़ना है जो यूपी टेट के सिलेबस में दिया गया है। मैंने ऑलरेडी यूपी टेट का सिलेबस आपको अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक में प्रोवाइड करा दिया है, और चैनल का लिंक मैं इस वीडियो में भी प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लेना, और इस पर मैंने एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाया भी है यूपी टेट के सिलेबस पे। सेकंड बात, अरिहंत पब्लिकेशन की जितनी टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए उन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, और उसके प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं वो प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन भी सॉल्व करने की प्रयास कीजिएगा, और जितने फैक्चुअल चीज़ें हैं पावलाव से संबंधित या स्किनर से संबंधित, क्रिया प्रसूत अधिनियम, इन सारी चीज़ों से संबंधित जितने फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको आप अलग से कॉपी में लिख कर और लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर से, तो इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, इसके साथ ही ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आप कोई भी अच्छी सी ग्रामर की बुक लेके, या 6, 7, 8 की ग्रामर की बुक अगर आपके पास होगी इंग्लिश मीडियम की, तो उसको लेके, लुसेंट इंग्लिश, लुसेंट तो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, लुसेंट इंग्लिश ग्रामर भी आप यूज कर सकते हैं, और वर्ड पावर के लिए कोई अच्छी बुक लेके थोड़ा बहुत अपना वर्ड पावर, उसी ग्रामर के बुक में वर्ड पावर भी रहता है, तो आप वहाँ से वर्ड पावर भी थोड़ा बहुत करते चलिएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड टफ नहीं होता है इंग्लिश, और इंग्लिश की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे कराई जाएगी, बहुत ही जल्द मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी इस चैनल पे। ओके, नेक्स्ट है हिंदी, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिएगा चलेगा, जो ग्रामर की बुक हो वहाँ से मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सारी चीज़ें, और हमारे चैनल पे भी आपको टोटल इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दिया जाएगा। वर्ड पावर उसी बुक से आप कर लीजिएगा, या लुशन के बुक में जो वर्ड पावर होगा वहाँ से भी आप वर्ड पावर कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप सबके पास कोई ना कोई तो इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी ही, उसको आप अच्छे से एकदम पढ़ के समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लेना कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओके, और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन होता है वह टेंस बेसिस पे होता है। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण थोड़ा सा टफ होता है, हिंदी व्याकरण के लिए पीएन पांडे की बुक ले लीजिएगा और आदित्य प्रकाशन, पीएन पांडे और आदित्य प्रकाशन, ये दो बुक हिंदी ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदित्य प्रकाशन में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर दिए रहते हैं, और पीएन पांडे भी इंपॉर्टेंट है वर्ड पावर वगैरह के लिहाज से, पीएन पांडे को यूपी गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ओके, पीएन पांडे से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। नेक्स्ट बात, और इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिएगा। एक बात और, यूपी बोर्ड वाले जो होंगे वो कुछ राइटर्स के नाम भी लर्न कर लेंगे, और मैं अपने चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स होंगे उनके नाम और उनके वर्क्स प्रोवाइड करा दूँगी, क्योंकि
कुछ क्वेश्चन राइटर और उनके वर्क से भी आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अब हम नेक्स्ट बातें करेंगे एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट से कैसे क्वेश्चन। एनवायरमेंट देखिए, एनवायरमेंट मैंने सीटेट में आपको कहा था कि आप एनसीईआरटी पढ़ना, यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की सुझाव नहीं दूंगी, क्योंकि सीटेट में सीटेट के क्वेश्चन का लेवल और इसके क्वेश्चन का लेवल, स्टैंडर्ड पैटर्न, अब जो भी कह लें, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इवन मैंने तो देखा है कि एनवायरनमेंट में कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी वगैरह से भी पूछे गए हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह से। तो पहली बात तो एनवायरमेंटल की पूरी सीरीज हमारे इस चैनल पे दी जाएगी आपको, एक दो दिनों में एकदम स्टार्ट कर दी जाएगी और सीरीज कुछ प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर एक दो दिनों में पूरी की पूरी प्रिपरेशन लगभग समाप्त हो गई है और वो सीरीज स्टार्ट की जाएगी। दूसरी बात, आप परीक्षा वाड़ी की बुक ले लीजिए, परीक्षा वाड़ी एनवायरमेंट के लिए बेस्ट है, और पूरी परीक्षा वाड़ी पढ़ जाइए आप, परीक्षा वाड़ी के जितने भी फैक्ट्स हैं सब रट जाइए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, और मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल के लिंक में प्रोवाइड करा है, 2016 का, 2011 का, 2016 में नहीं हुआ था सॉरी, 2017 का, 2011 का, ओके। और हाँ, अगर आपसे बन सके तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की भी एनवायरनमेंट की बुक देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। वैसे मैं यही कहना चाहूंगी कि परीक्षा वाड़ी आप लेके पूरा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, उसमें पूरा कुछ कवर कर लेगा, परीक्षा वाड़ी से इतर कुछ नहीं आएगा, ओके। इसमें भी जितने फैक्ट्स होंगे, डेट वगैरह होंगे, जितने अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान होंगे उसको रख लीजिएगा, और उसकी पूरी की पूरी लिस्ट हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बहुत ही जल्द, ओके। बस अपना थोड़ा सा प्यार और विश्वास बनाए रखिए, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन लेवल ऊंचा रहे और हम लोग का भी मोटिवेशन लेवल बना रहे। जब हम लोग देखते हैं कि वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, लाइक ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम लोग का भी मोटिवेशन लेवल घटने लगता है और चीज़ों को करने के लिए मोटिवेटेड हम लोग नहीं रह जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएँ, और लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी हर किसी भी काम को करने के लिए ना मोटिवेशन लेवल बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई करते जाएँ आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो आप करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। इसी तरह हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी काम करना और देखते हैं कि आप लोगों का सहयोग ही नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग उस काम को धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता है जब व्यूज ना आए, लाइक्स ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा है, ओके। लोगों को हमें लगता है कि लोगों को उससे कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम मैं बात करूंगी मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, 1 to 8 पूरी की पूरी एनसीईआरटी कर लीजिएगा आप, अगर छोड़ के गए तो खतरा है आपके साथ। एसचंद अगर पॉसिबल है तो एसचंद के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन की बुक देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस दिए गए हैं, चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके सॉल्व कीजिएगा। एक बार फिर से कहूँगी, किसी भी एक बुक पे डिपेंड होकर मत रहिएगा, जितने बुक को बताइए फॉलो कीजिएगा। हाँ, आप जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो 95,000 की वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको यूजफुल होगी, तो ये चीज़ें बेकार नहीं जाएगी। और एक बात और कह दूँ कि सीरियस रहिएगा, क्योंकि यूपी टेट का रिजल्ट 10 और 11% ही बनता है, तो हल्के में लेके मत चलिएगा इस चीज को, ओके। हमारे चैनल पे इंग्लिश, एनवायरनमेंट और हिंदी और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी तुरंत उसकी जो एक सीरीज है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पैटर्न की सीरीज तुरंत ही चलाई जाएगी। अगर आपको हमारे क्लासेस से जुड़े रहना है, अगर और आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और कहीं भी वीडियो के लिंक शेयर करने पर आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो। एंड अगर आपको हम लोगों का एफर्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड मोर, ताकि बाकी लोग भी बेनिफिटेड हों। और एक बात और कहूँगी, हर बार की तरह, कि हार्डवर्क का कोई भी कल्प नहीं होता, इसलिए सफलता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसलिए आप हार्डवर्क से बचने का प्रयास मत कीजिएगा, और हार्डवर्क से बचने के लिए कभी मत सोचिएगा, और कोई भी शॉर्टकट तरीके से कोई भी सफलता नहीं मिल सकती है, आपको जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करनी पड़ेगी, ओके।